अब एलएसी पर चीन के मेरा गांव मेरा देश वाले प्लान को डिकोड करेंगे। इस प्लान के तहत चीन का मकसद ये है कि एलएसी के विवादित क्षेत्र में पहले वो गांव बसाएगा, फिर जमीन पर अपना अधिकार जमाएगा। एलएसी के पास चीन बड़ी तेजी से मॉडल गांव बना रहा है और ये नाटक कर रहा है कि वहां आदिवासी और जनजातीय आबादी को बसाया जाएगा, लेकिन ये चीन का एक और धोखा है। कहने को तो चीन ने एलएसी के पास अपने इलाकों में मॉडल गांव बनाए हैं, लेकिन ये रिहायशी बस्तियां नहीं बल्कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। एलएसी पर चीन की उकसावे वाली गतिविधियां चलती रहती हैं, लेकिन उसका इरादा बेहद खतरनाक है। इसका खुलासा उसके मॉडल गांव से हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी के पास चीन ने करीब 600 ऐसे गांव बसाने की योजना बनाई है, जिसमें से करीब 50% का काम पूरा हो चुका है। जिसे चीन मॉडल गांव कहता है, वहां की इमारतों में मिलिट्री कैंप की तरह के ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। इन इंटीग्रेटेड चीनी गांवों में सुविधाएं ऐसी हैं कि तुरंत फुरंत बड़े पैमाने पर सैनिकों को वहां ठहराया जा सकता है। यानी एक तरह से ये चीनी गांव कैंटोनमेंट्स का एक्सटेंशन है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे चीनी गांव अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास बसे हैं। चीन की यह चाल भारतीय सेना की नजर से अछूती नहीं है। चीन की प्लानिंग के तहत 600 से ज्यादा ऐसे गांव एलएसी के आसपास बसने हैं। इनमें से आधे गांव तैयार हैं और ये ज्यादातर अरुणाचल और सिक्किम और उत्तराखंड के आसपास हैं। लेकिन अभी तक ये गांव खाली हैं और साफ है कि आगे आने वाले समय में पीएलए इसको अपने सैनिकों के लिए इस्तेमाल करेगा। सवाल पूछा बॉर्डर विलेजेस के बारे में। हाँ, उनकी अपनी नीति या स्ट्रेटेजी के तहत बॉर्डर के साथ कई जगह बॉर्डर के पास उनके विलेजेस मॉडल विलेजेस आए हैं। अब उसमें किस मात्रा में वहां पर लोग स्थायी हुए हैं वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमारे लिए ये कंसर्न होगा कि उसका किस तरह से डुअल यूज, डुअल सिविल और मिलिट्री यूज इन सब फैसिलिटीज का, इन सब विलेजेस का वो कर सकते हैं। और इसका संज्ञान या इसका नोटिस हमने हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग में पूरी तरह। चीन एलएसी पर अपने इलाकों में ही मॉडल गांवों के नाम पर सैन्य अड्डे बनाता तो भी गनीमत होती। चीन ने तो एलएसी के पास उन इलाकों में भी गांव बसाए हैं जिन पर भारत का दावा है। सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी गांवों को साफ देखा जा सकता है। 3 नवंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने चीन की सैनिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चीन ने एलएसी पर अपने कब्जे को बढ़ाने वाले कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि 2020 में चीन ने एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास विवादित इलाके में 100 घरों के बड़े गांव का निर्माण किया। अमेरिकी रिपोर्ट में किन्हीं खास गांवों या एलएसी के खास हिस्से का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन भारत के रक्षा सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी रिपोर्ट जिन गांवों की बात कर रही है वो 1959 से चीनी नियंत्रण में है। ये कोई नई कंस्ट्रक्शन जरूर है, लेकिन हमारे इलाके में नहीं है। हमारी जो सेना है वहाँ पर, फौज है वहाँ पर, बिल्कुल तैनात है वहाँ पर, पूरी विजिल है हमारे पास। और हमने पिछले 1.5-2 साल में जो वहाँ काम किया है उसमें अभी चाइना का कोई वो एस्केलेशन नहीं है उधर, और हमारी फौज बिल्कुल तैयार है हर एक चीज़ के लिए और अच्छा जवाब दे रही है, रेजोल्यूट अपना रिस्पॉन्स है उनका वहाँ पर। तो ये पुराना है। US रिपोर्ट में जो चीन के मॉडल विलेजेस का जिक्र किया है अरुणाचल प्रदेश में, चीन ने उन इलाकों में बनाए हैं जो उनके कब्जे में 1959 से हैं, और स्पेशली जो लॉन्जू एरिया के बारे में जो जिक्र होता है, ये अमूमन जो हमारे पोस्ट से नज़र नहीं आते, पर चंद एक गाँव जो नज़र आते हैं उनमें सुधार हुआ है, पर इस तरह के मॉडल विलेजेस नज़र नहीं आते। एक और एलएसी पर चीन रिहायशी गांवों के नाम पर अंधाधुंध सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो दूसरी ओर उसे भारत की बॉर्डर सड़कों पर भी एतराज है।
चीन का यही दोहरा चरित्र भारत को और ज्यादा सचेत रहने के लिए अलर्ट कर रहा है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।